Someday, I'm gonna make great machines that fly. And me and my friends are gonna go flying together into the forever and beautiful sky. Lila, and Teefs, and Floor, and me. Rocket. Rocket. It really is good to have friends. Yeah. गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 ये साफ कर देती है कि सुपर हीरो मूवीज का एंड आस पास भी नहीं है। लगातार काफी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजेस, स्पेशली मार्वल जैसी बड़ी फ्रेंचाइज से भी जब एंटमैन 3 जैसी फेलियर आपको देखने मिलती है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि प्रॉब्लम तो है, जरूर है, और मार्वल के लिए अभी मेरे हिसाब से खतरा भी टला नहीं है। MCU के एग्जीक्यूटिव्स ने फैंस को काफी ग्रांटेड लिया है। अपनी सिनेमैटिक यूनिवर्स को डाइवर्स करने के लिए उन्होंने ऐसे जल्दबाजी में डिसीजंस लिए जिसकी वजह से हमें जो प्रोडक्ट्स देखने मिले वो पूरी तरह से एक एक्सप्लॉइटेड VFX टीम और क्रू मेंबर्स के द्वारा डिलीवर किए गए थे। Wow! Jeez, what the hell, man? पर जहां जेम्स गन की बात की जाए तो वो वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक हैं जो कि कॉमिक बुक फिल्म्स को समझते हैं। एंड टू ब्रिंग इट आउट, गार्डियंस की ट्रायलॉजी एक लौती ट्रायलॉजी है मार्वल में, जिसके क्रिएटर स्टार्ट से लेकर एंड तक वही सेम रहे हैं। राइटिंग भी किया जेम्स गन ने और डायरेक्शन भी किया। अनलाइक अदर ट्रायलॉजीज, स्पेशली थॉर जिसके साथ सबसे ज्यादा फेरबदल हुआ है, इसे आप चाहे मार्वल की अब तक की बेस्ट फिल्म ना मानो पर आपको मानना ही पड़ेगा कि ये MCU की सबसे बेस्ट ट्रायलॉजी है, और वो मानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। और मैं लिटरली कह रहा हूँ कि ये मूवी आपको देखनी ही होगी। ये उन मूवीज में से नहीं है जिन्हें आप मिस कर दो। ये स्टोरी टेलिंग की बेस से स्ट्रॉन्ग है, ऑन द पॉइंट स्टोरी है, और हर कैरेक्टर को एक जस्टिफाइड एंडिंग दी है। एक काफी कमाल का फेयरवेल सा फील होता है इसके एंड पे आते आते। इसके फ्यूचर को लेकर ऑफकोर्स साइमल्टेनियस पॉसिबिलिटी जरूर बनती है, पर क्या हम फिर सभी गार्डियंस को एक साथ देख पाएंगे और ये OG गैंग फिर साथ साथ होगी भी, तो मोस्ट प्रोबेबली जेम्स गन उसे डायरेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो हाँ, मेरे ख्याल से ये है काफी इमोशनल। ना तो सर कहानी आपको रुलाएगी, पर ये सोच के भी आपको काफी दर्द होगा कि जेम्स गन मार्वल छोड़ के जा रहे हैं। सर से लेके पैर तक सारे रोंगटे खड़े हो गए जब थिएटर्स में रॉकेट सबकी बचाता है। जिस तरह के एक्शन सेट पीसेस को डिजाइन किया है एक वाइड एंगल पर्सपेक्टिव से, वो उस केओस को एलिवेट करता है। और अगर आप कुछ मार्वल के डाई हार्ड फैंस के साथ देखने जा रहे हैं ये मूवी, तो आप मानोगे नहीं पर सच में आपको एक क्रिकेट स्टेडियम वाली फील आने वाली है। मिडनाइट टेम्परेचर में इस मूवी की गर्मी रीड करती है 88 डिग्री। हो सकता है कि ये साल की सबसे बेस्ट सुपर हीरो फिल्म हो, तो मिस नहीं करना बिल्कुल। होपफुली आपको ये छोटी सी रिव्यू वीडियो पसंद आई हो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं इसी तरह के एक और बेहतरीन एपिसोड में।